गांववाणी स्टूडियो के खेती किसानी कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम अजमेर के एक प्रगतिशील फार्मर्स के यहाँ पर स्फूर्ति जो योजना है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्फूर्ति योजना के अंतर्गत यहाँ पर एक बाजरा प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन संकुल विकास परियोजना के तहत खायड़ा किसान समृद्धि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इनका एक FPO है, जिसमें तकरीबन 4000 फार्मर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। और उनके मेन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो BOD है उनके साथ हमारे द्वारा यहाँ पर इनके यूनिट के ऊपर विजिट किया गया और हमने देखा कि MSME जो स्फूर्ति योजना है भारत सरकार की, उसके माध्यम से इनके यहाँ पर ये पूरा यूनिट स्थापित किया गया है। हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार ये बाजरा का जो प्रसंस्करण है, अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर जो 2023 को घोषित किया गया और पूरे विश्व में मोटे अनाज के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, उसी दिशा में इनका एक बेहतरीन जो ये कार्य है उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार ये बाजरे में वैल्यू एडिशन करके और अलग अलग प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं। तो नमस्कार सर, और हम अपने श्रोताओं से आपका परिचय कराना चाहेंगे, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना पूरा परिचय बताएं और किस नाम से आपका FPO है, किस संस्थान ने आपके FPO को प्रमोट किया और किस योजना के तहत ये इकाई स्थापित की गई है और कुल इसमें कितने फार्मर्स हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा सर कि आप अपना नाम और अपने एड्रेस के साथ, जो किसान इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में आपको देख पाएंगे और आपके इस प्रयास को देख पाएंगे, तो मैं आग्रह करूंगा सर आपसे। नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम रणजीत जाट है और मैं खायड़ा किसान समृद्धि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के BOD मेंबर हूं। हमारी जो FPO है, जिस FPO को एक नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान भुवानी अजमेर द्वारा से FPO को गठित किया गया था, और इसमें गठित करने के बाद हमारी सोच ये थी कि जितने यहाँ पे जो किसान है उन किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, और आय के अंदर भी हमारा ये था विशेष तौर से कि जो उपभोक्ता है और उत्पादन करता है उन दोनों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को कम करके किसानों की आय बढ़ाना हमारा एक मुख्य उद्देश्य था। इसी क्रम के अंदर सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की स्फूर्ति परियोजना अंतर्गत हमने एक प्रोजेक्ट लगाया था, जिसमें बाजरा प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन संकुल तथा विकास परियोजना के तहत हमें एक प्रोजेक्ट मिला था। इसमें हमारा ये था कि यहाँ पे जो किसान है वो बाजरे का उत्पादन हमारे अच्छा होता है, लेकिन उस उत्पादन के अकॉर्डिंग हमें किसानों का जो लाभ होना था वो कम हो रहा था। तो हमारे जो किसान जुड़े हुए हैं, हमारी से 4000 किसान जुड़े हुए हैं, और 4000 किसानों में हमारी एक छोटी एक मंडी था, हमारी जो लोगों की जो सोच थी उसके आधार पर हमने एक जो यूनिट स्थापित की है, उस यूनिट स्थापित के तहत हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो मोटा अनाज है तथा उस मोटे अनाज के प्रति जो पौष्टिक भोजन है, इस पौष्टिक भोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमने इसका प्रसंस्करण करने की एक सोच हमारे समझ में आई। तो उसमें जो अभी सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत जो हमें प्रोजेक्ट मिला था, ये 3,55,00,000 का था, जिसमें 3,25,00,000 रुपए हमें मतलब वो ग्रांट मिली है तथा बाकी जो हमारा था वो किसानों का कंट्रीब्यूशन सहयोग था। उसमें ये था कि हम जितने जो किसान जुड़े हुए हैं इन किसानों के बीच में हमारा जो यहाँ पे स्थानीय जो स्तर है, स्थानीय स्तर में यहाँ का स्थानीय व्यापारी यहाँ से जो हमारा माल लेके जाता था वो मंडी के बजाय हमें 3 से 4 रुपये, कहीं कहीं 5 रुपये भी हमें कम मिलते। तो उन पैसों की जो हमारी भरपाई थी, हम कि यहाँ से हम मंडी तक माल ले जाए, मंडी के अंदर जो जाने का हमारा समय और श्रम और साथ में जो हमारी लागत है, उन तीनों चीजों को हम कम करके किसान को लाभ पहुंचाने के लिए हमने इस प्रोजेक्ट की जो सरकार के द्वारा हमें एक यूनिट मिली उसके अंदर हम मिलकर हम सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें किसानों का हमारा जितना माल उत्पादन हो रहा है उस माल को हम यहीं पे क्रय कर रहे हैं और ये क्रय करके फिर यहाँ का प्रसंस्करण कर रहे हैं। इसको प्रोसेसिंग में यानी कि नए प्रोडक्ट जो बनाने, जैसे पास्ता है, सोरगम है, लड्डू है, जो इत्यादि जो चीजें बन रही है, उन चीजों को हम बाहर बेच के जो भी हो रहा है कि किसान का हमारा माल बेचने के बाद हमारा आड़ती पे या बनी पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता, फिर हमारी इस कंपनी के माध्यम से हमने जो जितना जो लाभ कमाते हैं उस लाभ का हमें वार्षिक जो हमारी बैठक होती है उसके अंदर हम वापस प्रोत्साहन राशि के रूप में हम किसानों को बांटते हैं। हमारा ये एक मतलब इस जो यूनिट है इसको स्थापित करने का एक मुख्य सोच थी। इसमें हमें ग्रामीण महिला विकास संस्थान किशनगढ़ डुबानी उनके द्वारा बहुत ही हमें अच्छा मार्गदर्शन मिला। जो हमारे डायरेक्टर हैं शंकर सिंह रावत, उन्होंने
एक जमीन से जुड़ के जो किसान की पीड़ा को समझे और उसको एक हमें किसान को प्रोत्साहन करने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, तो उनको सक्षम करने के लिए हमने एक पहल चालू की जिसमें 4,000 लोग किसान सीधे जुड़े हुए हैं तथा इसके साथ हम जिनमें 4 में एक यूनिट जो स्थापित की है इसमें लगभग हमें 40 लोगों को हमें रोजगार मिल रहा है और 40 लोगों को हर परिवार में लगभग लगभग यहाँ बड़े परिवार में इसमें 5 से 10 लोग हैं यानी कि 400 परिवारों को हमें रोजगार उपलब्ध हुआ है और यहाँ पे जितना जो माल बेच रहे हैं माल के माध्यम से उन लोगों को काफी इनकम में बढ़ोतरी हुई है। जिसमें ये जो लाइन है ये पूरी पास्ता लाइन है, हमें बाजरा प्रसंस्करण को लेके इसका जो मेन उद्देश्य है बाजरा जो मोटा अनाज है उसको बढ़ावा देने के लिए और उसके प्रोडक्ट बना के बाजार में लेके पौष्टिक आहार के रूप में लोगों को खिलाने या उन लोगों को प्रेरित करने के लिए। ये जो मशीन ये जो लाइन है पूरी पास्ता की लाइन है, पास्ता लाइन में ये स्टीम मोटर है उसके अंदर माल का मिश्रण होता है तथा साथ में जैसे ही नीचे आते एक्सट्रूडर में जाता, एक्सट्रूडर में जिस तरह से अपने माल का मिश्रण दिया है उस माल में अपन जिस साइज का हम पास्ता लेना चाहते हैं 1 इंच, 1/2 इंच, 1.5 इंच, ये 3 तरीके के इसके अंदर पास्ता बनता है और तीनों के अंदर जैसे अपने माल बना ओनली ये सूजी बाजरा का बन सकता है, मैदा का बन सकता है, आटा का बन सकता है, ये तीनों चीजें इस मशीन का काम ये है। एक्सट्रूडर से जो माल निकलता है वो कन्वेयर के माध्यम से आगे बढ़ता है, कन्वेयर से जैसे ही आगे ड्रायर के अंदर जाता है वो ड्रायर में माल की सुखाई होती है, पास्ता लाइन से जो ड्रायर के अंदर जो माल आया है ड्रायर में सुखाई होने के बाद वापस इस कन्वेयर में आता है, उस कन्वेयर से पैकेजिंग मशीन के अंदर जाता है, वो पैकेजिंग के अंदर अपने को उसकी मात्रा तय करनी होती है, मात्रा तय करने के बाद उसी मात्रा के अंदर वो पैकेजिंग सामने तय करके आता रहता है। तो मात्रा तय करने के लिए क्या करना पड़ता है? वो इसके अंदर कंप्यूटराइज सिस्टम है, पूरे कंप्यूटराइज के अंदर उसको सेट करना होता है जिसमें मात्रा जितने वजन के अंदर अपने को पैकेजिंग चाहिए उसमें 100 ग्राम भी है, 50 ग्राम है, 200 ग्राम है या 1/2 किलो है, जिस मात्रा में अपने को पैक करना पैक कर सकता है। ये बाजरा या जो भी अनाज है उस अनाज के लिए ये 0 पॉइंट है, यहाँ अपने को बाजरा डालना होता है जैसा भी किसान से जो माल मिला उस माल को इसमें डाल के कल्टीवेटर बकेट कल्टीवेटर के माध्यम से अपनी सफाई के लिए उसके अंदर स्टीम में जाता है, वहां से एक क्लीनर मशीन में आता है और क्लीनर के बाद में उसका जो छोटे मोटे अगर कोई कंकर पत्थर या जो माल की ग्रेडिंग करनी है वो सामने स्टीम मोटर में आ जाता है। इसमें जो माल कंप्लीट हुआ है इस कंप्लीटेड माल के अंदर जो भी माल एक नंबर जो माल निकला वो वापस बकेट एलिवेटर के माध्यम से होपर में जाता है, होपर के अंदर इसका स्टोरेज कंप्लीट होता है, स्टोरेज के आधार जैसे स्टोरेज कंप्लीट होता है वो पैनल के माध्यम से ऑटोमेटिक सिस्टम है ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है, जितनी इनकी आवश्यकता होगी जैसे माल की आगे सप्लाई होगी इसमें जैसी आवश्यकता होगी पूरा सिस्टम वापस ऑन हो जाएगा। और जैसे सर खराब माल होता है वो किधर? वो खराब माल की चटाई होगी, वो खराब माल की 3 ग्रेड है, अंदर निकल जाएगा ये जो तीनों माध्यम है 1, 2, 3 इसके अंदर कचरा आएगा, इसके अंदर छोटा अनाज आएगा, इसमें कचरा आएगा, इसके अंदर फिर भी अगर इनसे अगर एक साथ माल जाने में अगर बाइक माल आ जाता है तो यहाँ से चटाई होगी और जो लो ग्रेड का जो माल निकला वो सामने निकल जाएगा और एक नंबर अनाज इधर आ जाएगा, एक नंबर से वापस बकेट एलिवेटर के माध्यम से होपर में पहुंच जाएगा। जो एक नंबर माल होता है वो काम में लिया जाता है? ये होपर में एक नंबर का जो माल होता है वो काम में लिया जाता है, बकेट एलिवेटर के माध्यम से ये जो होपर है इस होपर के अंदर जो एक नंबर का माल है वो इसमें स्टोरेज हो जाता है और इसके स्टोरेज की जो क्षमता है वो इसके अंदर 10 बोरी एक साथ स्टोरेज हो सकती है यानी 1,000 किलो इसमें एक साथ स्टोरेज होता है और 1,000 किलो स्टोरेज होने के बाद जैसे आगे इसकी डिमांड होती है डिमांड में जैसे माल आगे निकला और वापस ऑटोमेटिक सिस्टम वापस पैनल स्टार्ट हो जाता है इस होपर का स्टोरेज का काम ओनली। जैसे अपना माल साफ होता है साफ माल बकेट एलिवेटर के माध्यम से वहां से इसमें पाइप लगता है पिसाई के लिए जो पाइप लगता है पाइप के अंदर जैसे चक्की स्टार्ट होगी चक्की के अंदर जितना माल जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा वहां से ऑटो सिस्टम से इसमें जितनी आवश्यकता होती है आवश्यकता अनुसार इसमें आ जाता जाएगा तो यहाँ से जैसे आटा हुआ ऊपर क्लीनर के लिए पहुंच जाएगा। पूरा ये जो मशीन है ये पूरी आटे की क्लीनर मशीन है, इसमें आटे की ग्रेडिंग होती है ए बी और सी, जैसे मान लिया अनाज के अंदर छिलका आ गया छिलके की चटाई अलग हो जाती है और जो एकदम बारीक जो मैदा होती है वो मैदा की चटाई अलग हो जाती है। इस मशीन का पूरा जो काम है ये सिस्टम है, इसके अंदर जो 4 मोटर लगी हुई है पहली मोटर इसको आटे को खींचने का काम है,
दूसरी उसमें चटाई का काम है, तीसरी उसपे चटाई के अंदर भी जो हल्का माल है वो एक तो फिर चटाई है, और एक नंबर जो मक्खन माल होना वो इस सिस्टम से बाहर आता है। आटे चटाई के बाद में ये जो पास्ते वाली लाइन है, आटे की चटाई वाले जो माल है उसको पास्ता की जो स्टीम है स्टोरेज है इसके अंदर डालते हैं, और यहाँ से इसकी बुथाई और मिलाई चालू हो जाती है। उसमें एक बार एक्सट्रूडर में जाता है, एक्सट्रूडर से फिर कल्टीवेटर में जाता है, बकेट एलिवेटर के माध्यम से ड्रायर में जाता है, और ड्रायर से फिर छोटे बकेट एलिवेटर में जाता है, उसके बाद में पैकेजिंग ले जाता है। अपन पास्ता किसी भी चीज का बना सकते हैं ना सर? पास्ता अपन गेहूं का उसका बना सकते हैं, आटे का, मैदा का बना सकते हैं, सूजी का बना सकते हैं, और बाजरे का आटा बना सकते हैं। आटा लाइन के बाद में बिस्किट वाली जो स्टीम है, वो बिस्किट का जो स्टीम होता है भाप के लिए है, उसमें भाप के माध्यम से जितना जो माल हुआ उसकी सिकाई होके ये अंदर वापस कल्टीवेटर के माध्यम से स्टीम जो बड़ी वाली मोटर है उस मोटर में जाता है, उस मोटर से कन्वेयर के माध्यम से जो पैकेजिंग मशीन है उस पैकेजिंग मशीन के अंदर ये माल जाता है, जिसमें हमने बिस्किट की कटाई और उसके वजन तय होता है, उसके बाद वापस वो ड्रायर में जाता है, वो ड्रायर से सुबह के बाद पैकेजिंग में चला जाता है। ये छोटा वाला बॉयलर है, और इस बॉयलर से अपन जैसे पॉपकॉर्न लेना है या पॉपकॉर्न दाना लेना है, दोनों चीजें इससे कंप्लीट हो सकती है, और इससे कंप्लीट होते ही जैसे कन्वेयर के माध्यम से बकेट एलिवेटर में जाता है, और बकेट एलिवेटर पे जो अपनी पैकेजिंग मशीन है उस पैकेजिंग में जाता है। पैकेजिंग में अपने उसकी मात्रा तय करनी होती है, उस मात्रा के आधार पर पैकेजिंग कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे ये जान के, और हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपकी पूरी इकाई को हमने विजिट किया और देखा, आपने हमें बताया कि किस प्रकार जीरो लेवल से लेकर जो अनाज किसान के कहते हैं ना कि खेत से लेकर और थाली तक का जो एक पूरा का पूरा क्रम है, उस क्रम को आपने एक चरणबद्ध तरीके से हमारे इस गांववाणी स्टूडियो के इस विशेष कार्यक्रम खेती किसानी में आपने अपने अनुभव साझा किए। जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक प्रगतिशील एक एफपीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के नाते बाकी किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें किस प्रकार आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि वो लोग भी आपकी तरह इसी प्रकार एक उद्यमी बन पाए। एक किसान से एक उद्यमी का जो सफर, एक व्यावसायिक का जो सफर आपने तय किया, और एक इतने बड़े लेवल पे आपने अपने इस यूनिट को स्थापित किया है, और हमें आपसे जानने को मिला कि आपके यहाँ से लगभग 40 से 50 टन जो प्रोड्यूस आप यहाँ पर पास्ता बना रहे हैं वो भारत से बाहर विदेश में भी जा रहा है, तो हम जानना चाहेंगे आपके अनुभव के साथ साथ आपकी एक मार्गदर्शन जो किसानों के लिए सर आपका हो। मेरा कहना ये है कि या हमारी जिस एफपीओ की जो सोच है सबसे बड़ी, हम ये चाह रहे हैं कि जितना उत्पादन है उसके मालिक भी अपन ही, और जो उत्पादन के मालिक है यानी कि जो तीसरा व्यक्ति हमारे जो उत्पादन है उसका जो वैल्यू वो तय करता है। हम ये चाह रहे हैं कि हम सभी जो किसान है, किसानों का हमें छोटे छोटे किसानों का जो एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, और सभी लोगों को जो सरकार की कितनी ही ऐसी स्कीम है, जैसे मान लो स्फूर्ति की बात कर रहे हैं, स्फूर्ति के अंदर जो एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, उसके लिए भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो लोग किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हुए उनको भी इनसे जुड़ना चाहिए और अपनी आय बढ़ाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। इसमें खुद की लागत इतनी नहीं जितना अपना समय और इसकी समझ है, मैम इसमें समय और समझ की है, जो कि किसान को इतना लगाना नहीं, यहाँ से लेके ही जाना है, ओनली अपना माल जो उत्पादन हुआ उस माल के अच्छे दाम और समय पे, जब अपना माल आप बेचना चाहेंगे उस वक्त आप बेच सकते हैं, दाम लेने उस वक्त पैसे अपना ले सकते हैं। और साथ ही हम ये चाहेंगे कि जितना अपना माल उत्पादन हुआ है उसको हम वेयर हाउस के लिए भी हम इन किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपना माल आप वेयर हाउस पे लीजिए, वेयर हाउस से हमने इनको ई नाम पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि इसको ई नाम पे इनका रजिस्ट्रेशन हो और जब अच्छे दाम मिल जाए उस वक्त अपना माल बेचे। बिल्कुल सर, किसान कैसे सक्षम हो, मोदी सरकार का जो सपना है सोच है कि हर किसान की आय बढ़नी चाहिए, आय बढ़ाने के लिए जीव पूर्ण शायद मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। तो ये थे हमारे प्रगतिशील किसान और साथ में खायड़ा किसान समृद्धि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिन्होंने स्फूर्ति योजना के तहत अपने यहाँ पर एक यूनिट स्थापित करके और एक आदर्श एफपीओ का उदाहरण प्रेषित किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जीएमवीएस जो संस्थान है उनको, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और एक इतनी बड़ी आदर्श सोच रखकर और उन्होंने अपने नाबार्ड से प्रमोटेड जो एफपीओ के जो सदस्य हैं
उन्हें एक मार्गदर्शन दिखाकर और उन्होंने एक बड़ी इकाई के रूप में उन्हें इस योजना का लाभ दिलाया। तो इसी प्रकार की एक नई कहानी के साथ अगले खेती किसानी कार्यक्रम में आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी शुभकामनाएं, आप इसी प्रकार प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर।